नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके साथ छतरी की तरह खड़ा रहता है यही कि देवता जी दोस्तों, और इन्हें आप पहचानने से अभी भी अनजान हैं जी दोस्तों। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह कोई और नहीं बल्कि आप जिन पर विश्वास करते हैं वही देवता हैं, जो कि दोस्तों आपके आगे पीछे छतरी की तरह चलता है। और दोस्तों आप इनसे अनजान हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब वक्त आ गया है जब आपके भाग्योदय होगा जी दोस्तों। यह देवता आने वाले 4 दिनों के अंदर आप सभी की जीवन काल में जो चमत्कार करने वाले हैं दोस्तों, आपको चौंका देने वाले साबित होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि 4 दिनों के अंदर आपको कुछ ऐसे संकेतों को जानने की अत्यंत आवश्यकता होगी, जिन्हें पहचानने से दोस्तों आप इन्हें प्रसन्न कर पाएंगे जी दोस्तों। यह संकेत को आप जान लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए यह देवता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा, और जीवनकाल में जिस प्रकार आपके साथ चल रहे हैं इसी प्रकार दोस्तों ये आपके साथ ही चलते रहेंगे। कि दोस्तों भक्त के आगे भगवान झुक जाते हैं, और दोस्तों अगर भक्त को ही भगवान का ज्ञान ना हो तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि वहाँ पर भगवान कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप कोई भी ऐसे में गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों भगवान ऐसे में आपको बहुत कुछ देने वाले हैं जी दोस्तों, और इन्हें लेने के लिए आपको कुछ सावधानियाँ, कुछ सलाखियाँ और कुछ महत्वपूर्ण विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होंगे, जो कि दोस्तों आपके ईश्वर को आपसे जोड़ते हैं जी दोस्तों। तो सभी बातें हम इस वीडियो में बहुत ही गहरी तरीके से बात करेंगे कि आने वाले 4 दिनों के अंदर यह देवता जो आपके साथ छतरी की तरह खड़ा है, आखिर कौन से संकेत आपको देना चाहता है, कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको देने वाले हैं, कौन कौन से बड़े शुभ समाचार मिलेंगे, कौन से कार्य आपके बनने वाले हैं, कौन कौन से सपने आपके सच होने वाले हैं, जीवनकाल की आपकी कौन सी अधूरी इच्छाएं हैं जो कि यश में पूरी होने वाली हैं, सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे जी दोस्तों। साथ ही एक ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको यश में करना है, जिन्हें आपको यश में ध्यान से सुनना है जी दोस्तों। यह उपाय कुछ सुन भी लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके हृदय में जाने से यह बात आपके अंदर की एक नई जोत जलेगी। तो दोस्तों अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण समय निकालकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जरूर लिखिएगा। दिल से महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल के कष्ट खत्म होंगे, खुशियां मिलना प्रारंभ हो जाएगी जी दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं महाबली हनुमान जी के एक बहुत ही अच्छे विचार से। दोस्तों महाबली हनुमान जी कहते हैं कि मन ही मन सबको दंडवत प्रणाम करो कि उनको पता न लगे। गुप्त दान गुप्त साधन बड़ा तेज होता है, सबको किया गया प्रणाम भगवान को प्राप्त होता है। यह बहुत ही उत्तम साधन है जो हर एक इंसान कर सकता है जी दोस्तों। तो दोस्तों हनुमान जी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने जीवन काल में इन्हें जरूर उतारें, साथ ही इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री राम जय हनुमान। तो आइए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि आने वाले 4 दिनों के अंदर यह देवता जो आपके साथ छतरी की तरह खड़ा है दोस्तों, आखिर आपको कौन से संकेत देने वाले हैं, कौन से संकेत देने वाले हैं, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े सुधार, कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होंगी जिनमें आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे जीवनकाल में आखिर चल क्या रहा है, कौन से देव हमें क्या संकेत देंगे। लेकिन दोस्तों इन सभी के बीच आप सभी के जीवनकाल में अगर ऐसा कोई अनजान व्यक्ति आ जाए जो आपको कह दे कि बेटा यह कार्य तुम ना ही करो जी दोस्तों तो आपके लिए अच्छा होगा, तो दोस्तों ऐसे इंसान को आप बिल्कुल ही अनजान ना समझें जी दोस्तों। यह साक्षात ईश्वर का रूप होता है जी दोस्तों। दोस्तों चाहे वो कोई भी हो जिन्हें आप पहचानते नहीं हो, आप उनसे कभी भी बात नहीं किए हो, ऐसे इंसान जो आपको यह सीख दे दे,
तो दोस्तों यकीनन वह भगवान के ही रूप हैं। आने वाले चार दिनों के अंदर आपके साथ ये घटनाएं हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें कि पक्षी के रूप में भी भगवान बहुत सारे संदेश मनुष्यों को पहुंचाते हैं। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आपके जीवन काल में ऐसे कोई पक्षी आ जाए जो कि दोस्तों मनुष्यों के साथ रहते हो, जी दोस्तों जो अगर आपको दिखाई दे दे और कुछ ऐसे संकेत उनमें आपको दिख जाए जो कि आपको लगे कि ईश्वर का संदेश है, तो दोस्तों ने भी आपको ईश्वर का ही संकेत माना है। जैसे कि कोई पक्षी आपके आंगन में आ जाए, आपके घर में आ जाए, आपके सपने में आ जाए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपको पक्षी के बारे में बात करता हो, तो दोस्तों इन सभी का संकेत भी बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं। जे दोस्तों इसके उपरांत आने वाले चार दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में अगर कोई ऐसी जीव कीटनाशक वस्तुएं आपके घर में आते हो, चिट्टे चिपकिल्ली या फिर ऐसे छोटे जीव जो कि आपके अन्य पदार्थ खाने के लिए आते हैं, तो दोस्तों ये भी आपके जीवन काल में धनलक्ष्मी प्राप्ति के योग को दर्शाते हैं, धन की आपको बढ़ाने के योग को दर्शाते हैं। तो दोस्तों चार दिनों के अंदर आपको अगर यह संकेत दिख जाए तो दोस्तों आपको समझ जाना है कि अब आपका जीवन बदलने वाले हैं, आपके जीवन काल में खुशियां आने वाली है। जी दोस्तों तो दोस्तों मिश्री के साथ बात करते हैं कि आने वाले चार दिनों के अंदर आखिर आपके प्रत्येक क्षेत्र में या देवता कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं, कौन कौन से सुधार होने वाले हैं, साथ ही कौन सी सावधानी भी आपको चार दिनों के अंदर रखने होंगी। दोस्तों यश में नई योजनाएं बनाने तथा नए उपक्रम करने के लिए जो समय होंगे अनुकूल समय होगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको अपने मेहनत के व फिर प्रयास के सार्थक परिणाम भी हाजिर होने वाले हैं। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी यशमी आपकी विशेष पहचान बनेगी। किसी मूल्यवान उपहार की प्राप्ति की भी संभावना बन रही है। तो दोस्तों यह समय का सदुपयोग करें और सभी समयों का जो है उचित लाभ उठाएं। इसके साथ ही दोस्तों यशमी अगर आपकी सावधानी को लेकर बता दें तो दोस्तों यशमी दूसरों की बातों में ना आए। दोस्तों आपका कोई नजदीकी मित्र ही आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, तो दोस्तों इस मित्रों का आपको इसमें छानबीन करना चाहिए। भाइयों के साथ यश में संबंध मधुर बनाकर रखें। धर्म के नाम पर आपसे कोई पैसा भी तड़प सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें अभी तक की हुई मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। जो बातें आपके लिए सही है उन्हीं बातों पर टिके रहना आपके लिए इसमें संभव होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो आपका प्रयत्न है आपके द्वारा जारी रहेंगे, फिर भी दूसरों द्वारा सहयोग प्राप्त न होने की वजह से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है, लेकिन दोस्तों यश में आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। खुद पर संयम होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में चल रही किसी पारिवारिक चिंता का समाधान भी यश में मिलेगा तथा आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य कार्यों के प्रति भी ध्यान लगा पाएंगे। दोस्तों घर में मेहमानों की आवाज आ रहेगी। युवा वर्गों को विभागीय परीक्षा व फिर नौकरी आदि से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते समय मर्यादा का भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जरा सी लापरवाही आपसे आपकी मान सम्मान में कमी ला सकती है, तो इन पर ध्यान दें। समान विचारधारा तथा सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें, इससे आपकी मन स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आते रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने सीमित विचारों के दायरे को बढ़ाना आपके लिए इसमें संभव हो सकता है। मित्रों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने की वजह से जीवन में किस समस्या पर पहले काम करना है यह बात भी आपको पता चलेंगी। भले ही अभी परिवार से नाराजगी बन रही हो, लेकिन दोस्तों मित्र परिवार द्वारा आपको पूरा सहयोग भी इसमें प्राप्त होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल चल रहा है। घर में धार्मिक आयोजन की संबंधी कोई कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होगी। दोस्तों यश में मेहनत और लगन के कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, बेहतरीन सफलता आपका इंतजार कर रही है और यह सफलता आपको इसमें मिलने वाली है। आपको बता दें कि विद्यार्थी का भी अपने अध्ययन के प्रति आकर्षित होना उन्हें सफल करेगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों यश में उस पर कार्रवाई ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले यश में पूरी तरह योजना का जो है युग रूपरेखा बना लें, ये आपके लिए जरूरी होगा। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। आपकी सेवा का भावना जो है उन्हें प्रसन्न रखेगी, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें
कि अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। यश में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ गलतियां भी आपके द्वारा हो सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय हर निर्णय को दोबारा परख कर आगे बढ़ें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यश में आलस से दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि प्रॉपर्टी की खरीद प्रोग संबंधी कार्यों के लिए जो दिन होंगे उत्तम दिन भी होगा। घर तथा व्यवसाय में इसमें संतुलन बना रहेगा। परिवार तथा बच्चों के साथ अमोद प्रमोद व फिर मनोरंजन में खुशनुमा समय भी आपका व्यतीत होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों प्रार्थना का असर किसी भी क्षण हो सकता है, विकट से विकट परिस्थिति में भी प्रार्थना करना ना भूलें। चाहे प्रार्थना पूरी होने का कोई भी आसार ना लगे, नजर ना आए, तो दोस्तों फिर भी आप प्रार्थना करें, मन ही मन प्रार्थना कर दें ईश्वर से, जिन्हें आप मानते हैं अपने इष्ट देव के लिए कुछ ना कुछ जरूर प्रार्थना करें, जो कि दोस्तों यश में के लिए आपके सबसे बड़े उपाय हैं। इस देव को आपके साथ पहुंचाने के लिए, इनकी भावना आपके भावनाओं को जोड़ने के लिए, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा जगाने के लिए, तो दोस्तों प्रार्थना करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगे आने वाले 4 दिनों तक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।